से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार संजय मयूख जी, आज हम बहुत दुख से ये बात पूरे देश के समक्ष रखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेताओं ने चुनाव मर्यादा का उल्लंघन कई बार किए हैं, पर लेकिन उसका एक बहुत ही निचले स्तर का जो एक अटैक उन्होंने अभी किया है और देश के राष्ट्रपति जो कानून के जो पूरे संविधान के कस्टोडियन हैं, सभी राजनीतिक दलों से और सभी संस्थाओं से जो ऊपर हैं, उस संस्था पर भी राजनीतिक उनको भी चुनावों में घसीटने का, उन पर बहुत निचले स्तर का वार करने का एक कोशिश किया है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का उस बयान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस बयान में खुद एक संविधान के पद पर बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश के राष्ट्रपति जी को लेकर एक गलत बयानी कर रहे हैं। हमें इससे बहुत पीड़ा हुआ है, इस बात को लेकर दुख है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। राष्ट्रपति जी को, देश के राष्ट्रपति जी के, हमारे जब यूपीए सरकार थी और हमारे सरकार आने के बाद भी हम में से किसी ने उस समय के राष्ट्रपति जी पर हमने कभी भी एक टिप्पणी नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो सर्वोच्च पद है देश में और उस पद का गरिमा है, उसको इस प्रकार के राजनीति में लाने का ये केवल और केवल कांग्रेस की संस्कृति और उनकी ओछी संस्कृति को दर्शाती है। और हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से, अशोक गहलोत से, राहुल गांधी से इस बात की माफी मांगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद जी इसलिए राष्ट्रपति बनाए गए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। क्या ये उचित है? क्या सभी समुदायों का सामाजिक सशक्तिकरण करना, क्या कांग्रेस इसके विरोध में है? खुले आकर बोले, राजनीति में बहुत सारे बयान देते हैं लेकिन इस प्रकार राष्ट्रपति जी का नाम लेना, उनके एक तरह से अपमान करना, ये बर्दाश्त से बाहर है। क्या कांग्रेस पार्टी एक गरीब राष्ट्रपति जी के खिलाफ है? एक गरीब तबके से आने वाले, एक दलित समाज से आने वाले, एक काबिल व्यक्ति के रूप में जाने वाले, एक ज्ञानी राष्ट्रपति होने के बावजूद क्या आप केवल और केवल उन पर समाज का नाम लेकर के पूरे समाज को और देश को आप एक तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं? यह बहुत ही निचली हरकत है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं।